का सेकंड सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो इससे पहले हमने इस अध्याय का अध्ययन करा और अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए, आप पेज नंबर 59 में है, यहाँ पर थर्ड नंबर में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है खोल। खोल मतलब जिसे हम कवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखो आप, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने पर रखा। तो आपने बच्चों अध्याय में पढ़ा कि जो सारंगी वाले थे उन्होंने अपनी जो सारंगी थी उस पर एक कवर, एक खोल चढ़ाया और उसे अपने सर के पास रखकर सो गए। फिर देखिए आप, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। और फिर दूसरा प्रश्न है, और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए और उसमें पहले आज की दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम लिख लीजिए, फिर खोल या कवर लिख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, कौ सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। तो बच्चों इसका हम उत्तर लिखेंगे कि सारंगी वाले ने सारंगी को सुरक्षित रखने के लिए उस पर खोल चढ़ाया ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि ना पड़ सके, है ना। हम किसी भी चीज़ पर खोल क्यों चढ़ाते हैं, कवर क्यों चढ़ाते हैं, ताकि हमारी वस्तु सुरक्षित रहे। तो इसी तरह सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाया ताकि उनकी सारंगी सुरक्षित रहे। और फिर है इसी में खौ प्रश्न है, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। इसका उत्तर है बच्चों, खोल जिसे हम कवर भी कहते हैं चढ़ाया जाता है, जैसे गद्दे, तकिया, तकिए पे भी हम खोल चढ़ाते हैं ना, कवर चढ़ाते हैं। फिर है सोफ़ा, सोफे पे भी कवर चढ़ाते हैं। किताबें, किताबों को भी सुरक्षित रखने के लिए हम उन पर कवर चढ़ाते हैं। फिर है मशीनों, मशीनों को भी हम बच्चों ढककर रखते हैं जिससे वे धूल मिट्टी आदि से सुरक्षित रहें। तो इस तरह यहाँ पे मशीनों और सारंगी या गिटार पर भी हम क्या है, खोल चढ़ाते हैं ताकि हमारी जो वस्तुएँ हैं, कोई भी चीज़ है, वो सुरक्षित रहे। जैसे गद्दे और तकियों और सोफे कवर में हम पे भी हम कवर चढ़ाते हैं क्योंकि उन पे दाग धब्बे ना पड़ जाएं। और यदि दाग धब्बे लग भी गए, हम कवर को हम आसानी से धुल सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर कवर चढ़ाते हैं। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख लीजिए कि खोल जिसे हम कवर भी कहते हैं चढ़ाया जाता है, जैसे गद्दे, तकिया, सोफ़ा, किताबें, मशीनों और सारंगी या गिटार आदि में। फिर ऐसी में नीचे गाओ बजाओ। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पेज नंबर 60 में है, गाओ बजाओ। तो यहाँ पर देखो कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, सहनाई, ढफली, सितार, गिटार और हारमोनियम। तो इसमें है ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ की थाप देकर इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग स्थान पर लिखा हुआ है, जैसे पहले पे है तार वाले, फिर थाप वाले और अन्य। तो हमें यहाँ पर नाम छाट कर लिखने हैं। जैसे तार वालों में लिखेंगे हम, ये वे बाजे हैं जिन्हें जिनके हम जिनको हम तार की सहायता से बजाते हैं। जैसे देखिए आप कॉपी में इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे गाओ और बजाओ, संगीत के बाजों के नाम सही जगह पर लिखें। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, तार वाले, थाप वाले और अन्य इस तरह से नाम लिख लीजिए। फिर तार वाले में लिखिए आप सारंगी, एकतारा, सितार और गिटार। इन बाजों को हम तार की सहायता से बजाते हैं। फिर है थाप वाले, थाप वालों में लिख लीजिए आप ढोलक, तबला, डफली और नगाड़ा। इन सभी बाजों को हम थाप देकर बजाते हैं, नगाड़ा
स्टिक की सहायता से भी बजाया जाता है। और फिर है इसमें अन्य, जो अन्य नाम बच चुके हैं तो उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। अन्य में है बांसुरी, सहनाई और हारमोनियम। तो इस तरह बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर पेज नंबर 60 में देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो आप बच्चों इनको, इस प्रश्न को आप स्वयं लिख लीजिएगा और इसे आप पुस्तक में ही लिखिएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप सोचिए और इसका उत्तर अपनी पुस्तक में लिखिए। तो जैसे रेलगाड़ी या बस में आपको क्या बजाया जाता है या कुछ बजाते हुए दिखते हैं लोग, और फिर घर पर किसी अवसर पर हम क्या बजाते हैं ये लिख लीजिए। फिर भजन कीर्तन में क्या बजाया जाता है और स्कूल में किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है। तो इस तरह इन उत्तरों को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आज ये कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।